कल गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुस्लिम हज़रात ने तकरीर की, तो मुजाहिद हुसैन ने लोगों को बुलाया हुआ था, उन्होंने अपने इतनी बातों में बजाय इसके मुल्क की बात करते, ज़िले की बात करते, और ख़ास तौर पर मैंने लिखा था कि आप इस चीज़ को उजागर करें कि जो मुल्क के अंदर महंगाई का जो दौर शुरू हो चुका है, इस दौर को ख़त्म करने में तजवीज़ें ना दें। यह ना कहें कि ये होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये चीज़ हाथ से बिगड़ गई तो फिर इसके नतज बहुत खतरनाक साबित होंगे। इसके बाद उन्होंने महंगाई का जो टेप थी वो ये भी डाल ली, और उसके बाद जरदारी साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, जिनका इस चीज़ों से कुछ अलग ही नहीं था, और ये कहा कि जरदारी साहब ने ये मेरे बेटों ने पैसे मांगे, जिसका बिल्कुल नहीं चाहिए था कि नेशनल लेवल के और हमारे मुल्क के एक मबे वजन और बड़े लीडर ने, लीडर के मतलब बात करते वक्त उन्हें ये अपना कद जो है वो पूरा बराबर कर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने वोटों की बात की कि फलाने इतने वोट लिए, फलाने इतने वोट लिए, और टिकटें भी बांटनी शुरू कर दी, और वहाँ गुजरात में उन्होंने शहर की भी टिकटें बांट दी, ज़िले की भी टिकटें बांट दी, ज़िलों की भी टिकटें बांट दी, जिसका उनके साथ कोई वास्ता तलक भी नहीं था और ना ही वो मिजाज। और ये भी कहा कि 30 जून तक ये हमारी बातें ना माने, मान ली जाएँ तो बेहतर है, 30 जून से पहले हमारी बातें मान जाएँ कि इतिहास जो है वो वापस ले लें हिंदू के साथ। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि बाद में कि जहाँ तक इतिहास में तलक है, मिजाज बेटे सारे हुसैन ने मेरे कहने के ऊपर वोट दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ को उन्होंने मुकर्र किया था। फिर उन्होंने तारक बशीर चीमा का जो सेक्रेटरी जनरल हमारी पार्टी के, उनको भी कहा कि वो हमारे अंदर दादे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो उनका वास्ता है ना तलक है। उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना ही बयान देने के वो उसके सोच सकते हैं वो इस तरह का बयान देना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से सब बाहर रहना चाहिए उन्हें, और 30 जून की जो उन्होंने डेट दी है उससे पहले पहले मदद कर लें तो बेहतर है, वरना मैं उन्हें अगर इजाज़त दे दी अपने बेटों को, जो मैंने रोका रखा था कि आप इस तरह की बातें ना करें, अगर उन्होंने बातें शुरू कर दी तो फिर ये पंडोरा बॉक्स ऐसा खुलेगा, इसे फिर कंट्रोल करना मेरे लिए या दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने चौधरी फैज़ अली साहब से कल यही बात की, उन्होंने कहा कि सबको बात को समझाएं कि वो सही रास्ते पे चलें, और ऐसे रास्ते पे चलने के साथ साथ मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जोर दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।